ना तो मैं ज्योतिषी ना भविष्यवाणी करता हूँ। लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस गुड़गांव का विकास कर सकती है। हमारे गुड़गांव में विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, हरियाणा की मैं कहता नहीं। मैं तो पिछला चुनाव भी 2014 में लड़ा था, जब भी यहाँ से जीता। रेल विकास में लोगों से मिलने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार जीत पक्की है? हाँ, मैं तो पिछला चुनाव भी 2014 में लड़ा था, जब भी यहाँ से जीता और मेरी तकरीबन एक तरफा से वोट गई। ये भारतीय जनता पार्टी का इलाका है और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। 2014 में हम जीते, अब भी भारी बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस गुड़गांव का विकास कर सकती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बादशाहपुर की चारों विधानसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मंत्री जी, विपक्ष मजबूत है, किस तरीके से देखते हैं और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारे गुड़गांव में विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, हरियाणा की मैं कहता नहीं। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की पूरे हरियाणा में और जीत पक्की है इस बार? ना तो मैं ज्योतिषी ना भविष्यवाणी करता हूँ, लेकिन गुड़गांव की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है।